द एविएटर्स, हमारी सोसाइटी। सोसाइटी तो हमने बना ली, मगर हमने कोई इवेंट नहीं सोचा। मीटिंग पे मीटिंग बुला रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग बुला रहे हैं, चीज़ें प्लान करे जा रहे हैं, मगर हम कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। वीकेंड आ रहा था हमारा 3 दिन का, सैटरडे भी ऑन था। हमने सोचा यार व्हाई डोंट वी पुल दिस ऑफ, इसी वीकेंड कराते हैं, जान छुड़ाते हैं, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते हैं। हम लोग यहाँ बच्चों पे चीख रहे, उठो 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 सालों, हमें निकलना है वहाँ पे। फिर जो है क्या नाम है, बच्चों को किसी तरह पहुँचा के सुबह सुबह 2 डिग्री सेल्सियस में हम लोग निकले। फिर आई 5 मिनट बाद हमारे नसीम भाई, उसमें हम लोगों ने ठूसा अपना सामान, हमने ठूसे अपने बंदे और हम लोग निकल गए बालाकोट की तरफ। गाड़ी में रखा सामान शामान बर्ज हो गए पैक, गाड़ी में हूँ ब्लूटूथ स्पीकर और आवाज ना लड़े कैसा मुमकिन है। फिर गाने चलना शुरू हो जाते हैं और फिर यहाँ हमारे बिलाल और इसके पूरे कोर का डांस आता है। पूरे रास्ते में चमक छलो भी हुई है और साथ में दिल भर भी हुआ। फिर हम मानसरा मोटरवे से होते हुए मानसरा पहुंचे। हाफवे थ्रू मानसरा पे स्टॉप है तो गाड़ी जा दी बालाकोट की तरफ। पीछे से लड़कों ने बहुत सी खूबसूरत मस्जिद में अंदर नमाज अदा की। भी बहुत खूबसूरत मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी और सामने का व्यू चेक करें आप। हम पहुंचे बालाकोट। बालाकोट में अब जारी बात, खाना तो खाना था, आवाम को काफी भूख लगी थी पर पूछ रहा था क्या खाया क्या खाने। फिर हमने सोचा कि इस ऐसी जगह पे क्या मशहूर है, हमें मिले बालाकोट के कबाब। व्यू के साथ इनको खाना छाना खिलाया बिठा के, गाड़ी रुका के, और फिर वहां पे इन्हें जिम्मेदार शहरी होने के नाते इन लोगों ने अपने अपने बर्तन समेटे से पैक होके किवाई की तरफ निकल पड़े। हम लोग पहुंचे वहां पे जो है किवाई, ठीक है। किवाई को क्रॉस करते ही हमारा आ गया रास्ता जो ऊपर शुगरान का, ठीक है। तो हमें निकलना था शुगरान, जैसी बस रुकती है वहां पे हमारे तारिक भाई जिनसे हमने बात की हुई थी पहले से, चार लड़के नीचे उतरे देखने के लिए कि भाई तारिक भाई बताया तो सही क्या सीन क्या है कि ऊपर कैसे तरह जाएंगे हम लोग। तो तारिक भाई ने बोला ये देखो 6 जीप्स मैंने तुम्हारे लिए पहले से करा के रखी है। तारिक भाई ने तो की थी जीपे तैयार और जीपों के तो कुछ सीन ही ऐसे थे। जीपों में तो हम बैठ गए, जीपों में बैठ के जा रहे हैं। पहले तो रास्ता बड़ा अच्छा था, रोड बड़ी अच्छी थी, फिर आई लैंडस्लाइडिंग वाले रास्ते। उन रास्तों को देख के तो भाई हमारे बॉयज यार इतनी गहरी खाई। तो हम लोग पहुंचे फिर शुगरान और वो मंजर तो आप देख ही सकते हैं। शुगरान पहुंच के जो है हम लोगों ने पहले देखी यार यहाँ तो बर्फ पड़ी हुई है। मेरा दिल पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल। हम लोग पहुंचे लाहौर होटल, सामान हम लोगों ने रखा है और निकल गए थोड़ी खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया।
खो गया मेरा दिल कहीं दूर। दिया है खाने का ऑर्डर, खाने तो खैर छोड़े मगर खाने के सीन्स कुछ ऐसे थे। हाँ भाई खाने का सीन है। और फिर जो है हमारे बॉयसेस ने भी डांस चांस किया है, बड़ा मजा आया है। तो पहाड़ी इलाके गए हैं, बॉनफायर ना करें तो क्या किया हम लोग। अलीशा ने गिटार बजाना शुरू किया है, हम लोगों ने गाने गाए हैं और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे थे। तो भाई हम 12 बजे ये गाने शानों से फारिग हुए, तो हमें सर ने कहा आप लोगों ने 8:30 बजे तक तैयार रहना, हम निकलेंगे यहाँ। 7 बज रहे थे, हम उठे तैयार शहर हुए तो 8:15 तक फुल रेडी। रेडी होके बाहर गए, हम नाश्ता वगैरह किया, पता लगा कि कोई जगह ही नहीं हुआ। फिर जीपों में बंदे डाले और सीधी बाई की तरफ घूमे। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो। उसके हमें पता लगा कि आगे हुई हुई बर्फ, बर्फ पड़ी और गाड़ी पर चढ़ नहीं सकती। ड्राइवरों ने हमें कहा कि यार अब गाड़ी यहाँ तक जानी है, ऐसा करो ये से घूमते घुमा के ना चलते हैं वापस। तो हमने कहा यार हमने इतना खर्चा किया है, अब यहाँ इतना ऊपर तक आ भी गए तो यार इस तरह तो नहीं चलता, अब ऐसा करते हैं भाई सामान उठाओ। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ। बाद में हमने फ्रोजन लेक पे शुगर लगाना शुरू किया, उसके तो सीन भी कुछ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। और ऊपर से लड़कों को हुई चुल, उन्होंने अपने लड़के गिराने शुरू कर दिए, वो उधर से सर वकास गिर रहे, उधर से सर मैर गिर रहे। सपनों में मेरे वो रोज आता। तो फिर हमने क्या किया, अपने सारे लड़कों को इकट्ठा किया और अपने सामने रखा अपना बैनर और उसके सीन्स। अपने मुझको भी रोज बुलाता है, सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है, सुन वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। तो चले व्यूज भी हो गए, बर्फ भी हो गई, शुगर भी हो गया। अशियान का वहां के मौसम से ज्यादा ठंडा एटीट्यूड भी हो गया। मगर वहां जाने का मकसद क्या था? मैं सोचता हूं कि क्या मैं इतने मजे कर पाता अगर ये लोग ना होते। मतलब सोचने वाली बात कि आपका मोमेंट, आपकी जगह या आपका पैसा नहीं डिफाइन करता, वो लोग डिफाइन करते, वो आपके चाहने वाले डिफाइन करते, और वो खास मोमेंट आपके वो खास दोस्त डिफाइन करते। हम यहां जो चंद से लोग हैं, हम जिस सिस्टम का हिस्सा है ना, हम इसकी वजह से एक दूसरे से बहुत रिलेट कर पाते हैं, और आप जिससे रिलेट कर पाते हैं उनसे आपकी बॉन्डिंग कुछ अनरियल सी ही होती है। ये ट्रिप, ये पहाड़, ये तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो हमें अपने चाहने वालों के साथ वक्त गुजारना। एंड इन द एंड आफ्टर ऑल वी आर ऑल हियर
जस्ट मोमेंट।